क्वेश्चन दिया हुआ अर्थ का कोई सैटेलाइट सा वो रिवोल्व कर रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? 2π/T के बराबर होती है। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होंगे। अर्थ का अपने एक्सिस के बाद टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स होता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा? 24 आवर्स होगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, इक्वेटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो निकालना था, वो किसके बराबर होगा? यहाँ से यहाँ तक का 1/4 टाइम लगेगा, T/4 होगा। टी जो है 24 6 आवर्स लगेंगे। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में आते हैं। हमें रेडियस बतानी है तो नेट फोर्स GMM अपॉन आर स्क्वेयर वो क्या प्रोवाइड करेगी? सेंटीपीटल फोर्स m ओमेगा स्क्वेयर इनटू आप सेम सेम कंसील हो जाएगा। इस आर ओमेगा स्क्वेयर आर को क्या लिखते हैं? GM/R² और 2π/T² इंटू आप टी निकालना है तो इसको इधर जाते हैं, T² = 4π², ये इधर आ जाएगा R³/GM और इसकी पावर स्क्वेयर आर निकालना था मुझे इसीलिए। तो बाकी की सारी टर्म इधर ही आते हैं, GM × T² / 4π² R³/3 इसके बराबर होगा GM 4π² T² × R³/3। वैल्यू पुट कर देते हैं, जी तो किसके बराबर है? 6.67 × 10⁻¹¹ अर्थ की का मास जो है 24, टाइम पीरियड वो किसके बराबर 24 आवर्स 3600 सेकेंड, इसका स्क्वेयर अपॉन 4π² और उस सारे की पावर 1/3 वो हमारा क्या हुआ? आर के बराबर होगा। और ये वैल्यू आ रही है 42,300 किलोमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 42,300 किलोमीटर आएगी। पावर 1/3 है तो कैलकुलेटर से या लॉगरिथमिक टेबल से, लॉग की टेबल से ही सोल्व हो सकता है क्वेश्चन।